जमीन से लेके आसमान तक कुछ इतना बड़ा नहीं है कि हमको व्यग्र कर जाए। जिसकी चेतना ऐसी होने लग जाती है, जान लीजिए कि उसमें शिव के प्रति प्रेम है। और यही शिव के प्रति प्रेम का प्रमाण होता है, चेतना में एक उन्मुक्तता का उतर आना। आप एक शिवालय बना लें, या आप जाकर के चित्र की या मूर्ति की पूजा कर लें, इतने से नहीं कुछ प्रमाणित होता। शिव शिवालय में कहाँ है? जितनों ने जाना है उन्होंने बार बार पूछा है, शिवालय में है क्या? अनंत को तुमने एक घर में रख दिया, कैसे कर लिया? शिव जहां हो सकते हैं उनको वहां होने दो ना। शिव मात्र विशुद्ध चेतना में हो सकते हैं, और वहां तुम उनको होने नहीं देते, अहंकार गवारा नहीं करता। तो उनके लिए तुमने बहुत सारी चीजें बना ली, उनके लिए एक विशिष्ट दिन बना लिया, उनके लिए एक विशिष्ट जगह बना दी, उनको एक विशिष्ट पर्वत भी दे दिया, और उनके बारे में न जाने कितने तरीके की क्या क्या बातें कह डाली। उनमें से किसी में भी शिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी साफ चेतना का ही नाम शिव है।